हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को ये पाठ 11 जिसका शीर्षक है गाजर मूली की लड़ाई, जिसके विषय में बताने जा रहे हैं। इसमें जो है, जब कक्षा में लौकी अध्यापिका ने प्रवेश किया तो कक्षा का बहुत बुरा हाल था। सभी अपने अपने तरीके से मस्ती कर रहे थे। एक तरफ गाजर मूली जो है वाक युद्ध में उलझे हुए थे। गाजर बोली, मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ, मुझे खाकर लोग अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। मूली ने कहा, विटामिन B1 द्वारा मैं भी आंखों को तंदुरुस्त रखती हूँ। गाजर ने कहा कि मैं लोगों के शरीर में सोडियम फास्फोरस पहुँचाती हूँ और उनकी हड्डी दांत मजबूत रखते हुए उनका वजन सही रखती है। मूली ने कहा कि मैं पोटेशियम, सोडियम और सल्फर की मांग की हूँ, मांसपेशियों के विकास में मददगार हूँ और हड्डी भी मजबूत करती हूँ। अब जो है, दोनों जो है आपस में उलझे हुए थे। अब दोनों के बीच जो है हरी मिर्च दोनों को बड़ी गुनी बताती है एवं लड़ाई को बंद करने का आग्रह करती है कि वह कि तुम दोनों बेकार में क्यों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो। तुम दोनों में बहुत ही अच्छे अच्छे गुण हैं, जो अपना लड़ाई जो है बंद कर। लौकी अध्यापिका दोनों को समझाते हुए कहती है कि तुम दोनों एक ही माँ की संतान, इसलिए अपना महत्व समझो और शालीनता से कक्षा में बैठे। शालीनता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस तरह से जो है, इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि हमें बहुत ही शालीन बनना चाहिए, कभी भी आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। अब देखो, इस शीर्षक में शब्दार्थ भी हैं। जैसे पहला है बराबर, इसका मतलब होता है समानता। दूसरा है निखार, इसका मतलब होता है क्रांति या चमक। तीसरा है मददगार माने सहायक। चौथा संतान, इसका मतलब होता है औला। पांचवा तुच्छ कहते हैं हीन को, जिसको कहता है कि तुम तुच्छ हो, मतलब तुम कुछ नहीं, माने मैं बड़ा हूं तुमसे, है ना। तो ये होता है आपस में जो है एक दूसरे को, जब हम ये शब्द बोलते हैं तो ये तुच्छ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से गाजर मूली की लड़ाई जो है, ये शीर्षक जो है, इसको जो है आप सारांश में जो है याद करेंगे और इसका शब्दार्थ भी जो है याद करेंगे। इसके बाद भी हम आपको अगले पार्ट में पढ़ेंगे।